यूपी के मुजफ्फरनगर में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश मंत्री के नेतृत्व में व्यापारी कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट पहुंचकर व्यापारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन एडीएम फाइनेंस को सौंपा, जिसके माध्यम से मांग की गई कि प्रदेश में वरिष्ठ व्यापारी पेंशन लागू की जाए, बिजली के सरचार्ज माफ किए जाएं और उत्तर प्रदेश में दलहन स्टॉक की सीमा हटाई जाए। दरअसल व्यापार मंडल के प्रदेश मंत्री संजय मित्तल ने व्यापारियों के साथ एसडीएम को ज्ञापन दिया। ये ज्ञापन बिजली और प्रदेश में सक्रिय व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों को व्यापारी कल्याण बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल करने समेत सात सूत्रीय मांगों को लेकर दिया गया। इस अवसर पर संजय मित्तल, राजेंद्र सिंगल, महेश चौहान, प्रमोद त्यागी, राकेश ढींगरा समेत अन्य लोग शामिल हुए। आज हमने यहाँ एडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से, जो पीछे कोरोना काल गया है इसके संबंध में हमने जो व्यापारी हमारे हताहत हो गए हैं, जिनकी डेथ हो गई है, उसके संबंध में हमने माननीय मुख्यमंत्री से मांग की है कि दुर्घटना बीमा में उसको शामिल करते हुए कोरोना में डेथ हुए व्यापारियों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। एक हमने वरिष्ठ व्यापारी पेंशन योजना की इनसे मांग की है। 2 महीने का बिजली का बिल कोरोना टाइम का व्यापारियों को माफ़ करने की बात हुई है। एक हमने इनसे मांग की है कि जो कल्याण बोर्ड है उसके अंदर जो व्यापार मंडल सक्रिय हैं उनके सक्रिय पदाधिकारियों को उसके अंदर लिया जाए, ताकि वो समस्या व्यापारियों की निदान जल्दी कराया जा सके। ये लोग हमने यहाँ सरकार से आज मांग की है एडीएम साहब के माध्यम से।